हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमिस्टर स्टूडेंट्स फाइनली कुछ दिनों पहले डी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके एग्जामिशंस की जो टेंटेटिव डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी गई जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को है एंड क्या उसकी टाइमिंग है सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपने ऑलरेडी डेट शीट को देख लिया होगा अगर आपको डेट शीट समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर दे सक देख सकते हैं एंड जान सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को है एंड कौन सी टाइमिंग में आपका एग्जामिनेशन होना है सो डियर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहें सो माई डियर बी ऑनर्स पोलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमिस्टर स्टूडेंट्स ये है आप लोगों की टेंटेटिव डेट शीट फॉर बी ऑनर्स पोलिटिकल साइंस एंड बी ऑनर्स इंग्लिश सेमिस्टर फर्स्ट मार्च एग्जामिनेशन टू के ट्वेंटी टू डियर स्टूडेंट्स ये बेसिकली एस स्टूडेंट्स के लिए डेट शीट जो है वो रिलीज की गई है ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर जो जो चीजें मेंशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम मेंशन है सेमिस्टर मेंशन है यूनिक पेपर कोड जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पर मेंशन है डिस्क्रिप्शन मेंशन है एंड टाइमिंग मेंशन है ठीक है स्टूडेंट्स जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपके एग्जामिनेशन जो हैं वो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च टू के ट्वेंटी टू से स्टार्ट हो सकते हैं सर देखिए डेट शीट में भी यही चीज़ मेंशन है आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो है आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स यानी कि ए ई का आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन है इक्कीस मार्च दो को जिसमें बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस है जिसका यूनिक पेपर कोड है सेवन ठीक है ये आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स है इसका आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन है 21 मार्च 2022 को अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है ए का वो आफ्टरनून में 2:30 थर्टी से स्टार्ट होगा देन स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है ट्वेंटी ऑफ मार्च टू को थर्सडे को आपका एग्जामिनेशन है कोर पेपर्स का अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन है 24 मार्च 2022 को जो आपका फर्स्ट कोर कोर्स है विच इज़ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जो आपका फर्स्ट कोर कोर्स है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स उसका आपका एग्ज़ामिनेशन है चौबीस मार्च दो को अंडरस्टैंडिंग पोलिटिकल थ्योरी का ठीक है वहीं देन नेक्स्ट है ट्वेंटी एट्थ ऑफ मार्च टू के ट्वेंटी टू मंडे को आपका सेकंड कोर पेपर का एग्ज़ामिनेशन है जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया देख सकते हैं आप इन दोनों ही पेपर्स के जो यूनिक पेपर कोड हैं वो यहाँ पर मैंशन है अगर हम आपके कोर पेपर्स की बात करें तो आपके ये एग्ज़ामिशन्स जो हैं वो मॉर्निंग में नाइन थर्टी ए एम से स्टार्ट होंगे ठीक है स्टूडेंट्स देन आइए फाइनली अब बात करते हैं आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट के एग्जामिनेशनस की सो डियर स्टूडेंट्स आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उसका एग्जामिनेशन होगा आपका थर्टीन ऑफ मार्च टू के ट्वेंटी टू को देखिए आपका लास्ट एग्जामिनेशन तीस तीस मार्च दो हज़ार बाईस को होना है ठीक है जो कि आपके जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उसका जो एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग है वो है आफ्टरनून टू थर्टी पी एम जैसे आपका ए सी सी का एग्जामिनेशन आफ्टरनून में है उसी प्रकार आपके जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट का भी जो एग्जामिनेशन है वो आफ्टरनून टू थर्टी पी एम में है ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए जो भी आपके जेंड कलेक्टिव सब्जेक्ट हैं चाहे वो नेशनलिज्म इन इंडिया हो चाहे वो डेली थ्रो द एजेस हो चाहे वो हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन हो चाहे वो द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी हो चाहे वो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो ठीक है जो भी आपका जेंड कलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका आपका एग्जामिनेशन जो है वो तीस मार्च दो हजार बाईस यानी कि वेंट्सडे को होगा आफ्टरनून टू थर्टी पी एम से ठीक है स्टूडेंट्स सो ये है आपके बी एन आर्ट्स पोलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमिस्टर एग्जामिनेशन मार्च टू के ट्वेंटी टू की टेंटेटिव डेट शीट अब देखिए स्टूडेंट्स फाइनल जो फाइनल डेट शीट जो है वो अभी रिलीज होनी बाकी है लेकिन डी में ये काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो आपकी टेंटेटिव डेट शीट होती है वही आपकी फाइनल डेट शीट जो है वो निकल कर आती है ठीक है बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते हैं ठीक है जो टेंटेटिव डेट शीट है वही आपकी फाइनल डेट शीट जो है वो मानी जाती है उसको ही वो रिलीज़ की जाती है डी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ठीक है स्टूडेंट्स अभी देखिए ये भी क्लियर नहीं है डेट शीट के अंदर कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन का मोड है वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एग्ज़ामिनेशनस हैं वो ऑनलाइन मोड यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशनस में कंडक्ट हो सकते हैं ठीक है लेकिन आप फर्दर नोटिफिकेशन की वेट कीजिए ठीक है जैसे ही फर्दर नोटिफिकेशन्स आते हैं तो आपको जानकारी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो वीडियो के थ्रू दे दी जाएगी सो डियर स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग वेरी वेल अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर सेंड कर सकते हैं हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का आपके डाउट्स को क्लियर करने का सो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे होम स्टे सेफ स्टेन्डोड्स